क्रिकेट जैसे खेल में कंसिस्टेंट फास्ट बॉलिंग करना बहुत ही बड़ी चुनौती मानी जाती है। जब से क्रिकेट शुरू हुआ है तब से फास्ट बॉलर हर एक टीम में एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। लेट 70s और 80s में वेस्टइंडीज के पास मेलकम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, कर्टली एम्ब्रोस, कर्टली वॉल्श जैसे खतरनाक बॉलर थे जिनसे दुनिया के हर एक बैट्समैन को डर लगता था। मिड 2000 में ब्रेटली, शोएब अख्तर, शेन बॉन्ड, जहीर खान जैसे बॉलर्स ने दुनिया भर में राज किया। इंडियन क्रिकेट टीम से भी बहुत से लेजेंडरी फास्ट बॉलर निकले हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपनी आग उगलती पेस और लाइन लेंथ से सभी बैट्समैनों को तंग किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 इंडियन फास्ट बॉलर्स के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, आरपी सिंह। आरपी सिंह इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर रह चुके हैं। आरपी सिंह ने अपने करियर में टोटल 14 टेस्ट, 58 ओडीआई और 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। अगर आरपी सिंह के फास्टेस्ट बॉल की बात करें तो आरपी सिंह की फास्टेस्ट बॉल है 147 किलोमीटर पर आवर वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 2007। नंबर 9, मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी इंडिया के बेस्ट फास्ट बॉलर्स में से एक हैं। शमी टी20, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में लाजवाब परफॉर्मेंस करते हैं और रेगुलर टीम इंडिया में खेलते हैं। शमी ने अब तक 52 टेस्ट, 80 ओडीआई और 12 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। अगर शमी की फास्टेस्ट बॉल की बात करें तो शमी की फास्टेस्ट बॉल है 147.2 किलोमीटर पर आवर वर्सेस श्रीलंका। नंबर 8, जहीर खान। अगर हम इंडिया के बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की लिस्ट बनाएंगे तो जहीर उस लिस्ट में टॉप पर रहेंगे। डेब्यू से लेकर उनके रिटायरमेंट तक जहीर रेगुलरली 140 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते रहे हैं। जहीर ने अपने करियर में कुल 292 मैचेस में 593 विकेट झटके हैं और वे कपिल देव के बाद इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर हैं। जहीर की अगर फास्टेस्ट बॉल की बात करें तो जहीर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 147.8 किलोमीटर की बॉल डाली थी। नंबर 7, एस श्रीशांत। 2007 टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर 2011 वर्ल्ड कप, श्रीशांत इंडियन टीम के एक अहम खिलाड़ी रह चुके हैं। श्रीशांत को उनकी एग्रेसिव फास्ट बॉलिंग के लिए जाना जाता था। श्रीशांत ने कुल 27 टेस्ट, 53 ओडीआई और 10 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। श्रीशांत की फास्टेस्ट बॉल है 149 किलोमीटर पर आवर वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन 2007। आईपीएल 2011 के बाद श्रीशांत मैच फिक्सिंग स्कैंडल में फंस चुके थे जिसके बाद उनका करियर खत्म हो गया। नंबर 6, आशीष नेहरा। आशीष नेहरा एक ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनका आधे से ज़्यादा करियर इंजरी की वजह से ख़त्म हुआ। नेहरा भी रेगुलरली 140 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते रहे हैं। वर्ल्ड कप 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ नेहरा ने 149.7 किलोमीटर की स्पीड से बॉलिंग की जो कि उनकी फास्टेस्ट बॉल है। नंबर 5, उमेश यादव। उमेश यादव इंडिया के वन ऑफ द लीथल फास्ट बॉलर हैं जो कि रेगुलरली 145 प्लस की स्पीड से बॉलिंग कर सकते हैं। यादव ने अब तक इंडिया के लिए 48 टेस्ट, 75 ओडीआई और 60 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं और उनकी फास्टेस्ट बॉल है 152.5 किलोमीटर पर आवर वर्सेस श्रीलंका इन 2012। नंबर 4, वरुण एरोन। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर टॉप 5 फास्ट बॉलर्स की बात करें तो वरुण एरोन का नाम इस लिस्ट में जरूर शामिल होगा। वरुण एरोन ने इंडिया के लिए 9 टेस्ट और 9 ओडीआई मैचेस खेले हैं। स्पीड तो बहुत थी वरुण के पास, बस लाइन और लेंथ से मार खा जाते थे। अगर वरुण एरोन की फास्टेस्ट बॉल की बात करें तो वरुण एरोन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 152.5 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डाली थी। नंबर 3, ईशांत शर्मा। इंडियन क्रिकेट में कोई सबसे लंबा फास्ट बॉलर है तो उसका नाम है ईशांत शर्मा। ईशांत ने 19 साल की उम्र में ही इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया था और तब से लेकर अब तक 102 टेस्ट और 80 ओडीआई मैचेस खेले हैं। ईशांत की फास्टेस्ट बॉल है 152.6 किलोमीटर पर आवर वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन 2012। कपिल देव, जहीर खान और जावेकल श्रीनाथ के बाद ईशांत शर्मा इंडिया के द मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर हैं। नंबर 2, जसप्रीत बुमराह। अनऑर्थोडॉक्स एक्शन और शॉर्ट रनअप के बावजूद भी जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट के वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलर हैं।
बुमराह रेगुलरली 145 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते हैं। बुमराह ने अब तक 21 टेस्ट, 67 ओडीआई और 50 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह ने 153.26 किलोमीटर की स्पीड से बॉल डाली थी, जो कि बुमराह की फास्टेस्ट बॉल है। और इस लिस्ट के नंबर वन फास्ट बॉलर हैं जावेगल श्रीनाथ। श्रीनाथ 90s के दशक में इंडिया के बेस्ट फास्ट बॉलर माने जाते थे। श्रीनाथ ने इंडिया के लिए टेस्ट और ओडीआई में मिलाकर 551 विकेट झटके हैं। अगर श्रीनाथ की फास्टेस्ट बॉल की बात करें तो श्रीनाथ की फास्टेस्ट बॉल है 157 किलोमीटर पर आवर वर्सेस जिम्बाब्वे। तो दोस्तों, ये है इंडिया के टॉप 10 फास्टेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम। कमेंट करके अपने फेवरेट बॉलर का नाम बताएं। YouTube से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे Instagram पर मैसेज करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।